वो लाइफ जो है वो जमीन पर ओरिजिनेट किस तरीके से हुई तो कहता है कि एवोल्यूशन इज ब्लू डेट फर्स्ट लिविंग बींग ऑन अर्थ बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स वैसे लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुई ये मैं पिछले लेक्चर में आपको Discuss कर चुका आपके साथ ये। अब हम बात बात करते करते हैं कि evolutionists जो हैं कि जो वो इस बात पर बिलोंग टू ग्रुप प्रोक्योड यानी जो पहला लिविंग बींग था जमीन पर वो किससे बिलोंग करता था वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था प्रोकरोड्स से बिलोंग करता था आपको पता है कि सबसे सिंप्लेस जो सेल है वो किसके पास है वो प्रोकैरियोट्स के पास है और वो कौन सा था यानी बैक्टीरिया भी इन तीनों बैक्टीरिया में से कौन सा प्रोकेरोड था जो सबसे पहले जमीन पर आया तो उनमें जो सबसे पहला प्रोकेर जो जमीन पर आया वो था आर्क्यो बैक्टीरिया जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम आज जो है वो आर्की जो है वो कहते हैं तो ये आर्क्यो बैक्टीरिया आर्की जो है ये सबसे पहले जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कहां पर आए जो जमीन पर आए एवोल्यूशनिस्ट हाइपोथेसाइज दैट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3.5 बिलियन ईयर अगो यानी तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले फर्स्ट लिविंग बीइंग ओरिजिनेट ऑन अर्थ जमीन पर पहला लिविंग बीइंग जो है वो क्या हुआ ओरिजिनेट हुआ अब ये कहां पर ओरिजिनेट हुआ था ये ओरिजिनेट हुआ था डीप इनटू द ओशन हॉट सल्फर स्प्रिंग में हॉट सल्फर स्प्रिंग जिनको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट यहीं पर कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो है वो क्या हुआ रिएक्शन हुआ होगा और उन्हीं रिएक्शन से जो है ये क्या ओरिजिनेट हो गए होंगे ये आर्की ओरिजिनेट हुए होंगे आपको पता है ये आर्क्यू बैक्टेरिया जो है आ, आ, वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आज भी सर्वाइव कर सकते हैं तो इसका मतलब उस टाइम में भी टेम्परेचर क्या था बहुत ज्यादा था तो ये जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या है लिविंग uh, ऑर्गेनिजम है जो कहाँ आए जो जमीन पर आए कितने मिलियन साल पर अबाउट थ्री पॉइंट फाइव बिलियन एरो और कहां पर इनकी ओरिजिन ओरिजिन इनकी कहां पर हुई थी कहां पर ओरिजिनेट हुए थे हॉट वाटर स्प्रिंग यानी गरम पानी के चश्मे समंदर के अंदर डीप गरम पानी के अंदर पानी चश्मे थे जिनको हम क्या कहते थे हाइड्रोथर्मल केमिकल्स थे जो लाइफ को क्या कर सकते थे जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते थे तो इस वजह से फर्स्ट टाइम लाइफ जो है यहीं पर ओरिजिनेट हुई फर्स्ट लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लिविंग ओरिजिनेट इनपो हाइपो थर्मल वेंट यानी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ कहा ओरिजिनेट हुआ हाइड्रोथर्मल वेंट्स में फिर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इनके दरमियान में क्या हुआ इनके दरमियान में जो है वो क्या हुआ Reactions हुए और उन रिएक्शन के बाद जो है वो क्या इवोल्व uh, हुआ

हॉट वाटर स्प्रिंग्स और हॉट वाटर स्प्रिंग कहां पर है ये समंदर डीप इनटू द ओशन समंदर के अंदर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे इनमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हुआ वो ओरिजिनेट हुआ इसी को हम कह रहे हैं वेंट आर्पोथीसिस और पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा था वो था ये आर्क्यू अच्छा अब हम देख लेते हैं अर्ली एटमोसफियर ऑफ अर्थ यानी जो हमारी अर्थ है ये हमारी जो जमीन है इसका अर्ली एटमोस कैसा था तो कहता है कि कंक्लूडेड अर्ली ऑफ अर्थ यानी अर्ली जो एटमोसफेयर था जमीन का वो रिड्यूस था रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं थी इसमें ऑक्सीजन नहीं थी हॉट था बहुत ज्यादा क्या है गर्म था और ओजोन लेअर्स यानी ओजोन लेयर भी जमीन पर मौजूद नहीं थी देअर फॉर फ्रिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावाट रेडिएशन वॉज देयर अब सी बात है आपको पता है कि यूवी रेज किससे बचाती है अः अल्ट्रावायलेट यूवी रेज सॉरी सन जो है हमें किससे बचाता है सन के अंदर जो यूवी रेज होती है उससे हमें कौन बचाता है उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है तो उस जमाने में वो ओजोन लेयर तो थी नहीं तो एक्सपोजर डायरेक्ट एक्सपोजर था जमीन के ऊपर किसका डायरेक्ट एक्सपोजर था यूवी रेज का तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि अर्ली एटमोस्फेयर अर्थ की कैसे थी अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनस्ट तो एटमोस्फेयर जो थी वो रिड्यूसिंग थी रिड्यूस थी रिड्यूस का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं थी हॉट थी और ओजोन लेस थी ओजोन लेस होने की वजह से यानी ओजोन नहीं था उसकी वजह से फ्रीक्वेंट एक्सपोजर ऑफ यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो फ्रीक्वेंट जो है वो जमीन को मिल रही थी अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अर्ली प्रोकेरोड्स मैंने आपको बताया कि अर्ली जो प्रोकेरोड्स आए वो आर्कियोबैक्टीरिया बैक्टेरिया आए अगर हम देखें कि आर्कियोबैक्टीरिया जो अर्ली प्रोकेरोड्स है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था ऑफ़ न्यूट्रिशन उनका क्या था मतलब वो किस तरीके से अपना फूड लेते थे तो अब क्या था कि सबसे पहले तो जो आर्किया आए वो एब्जोर्टिव हेड्रोट्रॉफ थे आपको बताए न्यूट्रिशन हमारी जमीन पर जो न्यूट्रिशन के मेथड हैं न्यूट्रिशन की जो टाइप है एक ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ भी दो तरह के होते हैं एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं हेट्रोट्रोफ भी दो तरह के होते हैं एक एब्जोर्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं और एक क्या होते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो न्यूट्रिशन जमीन पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने पहला मेथड जिसके जरिए फूड ऑप्टेन किया वो कौन सा था तो आप बताएंगे एब्जोर्टिव हेट्रोट्रॉफ यानी ये अपने सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर थे उनको क्या करते थे वो उनको ये ऑर्गेनिक मैटर कर लेते थे थे करके खाते थे, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते थे इनको हम कहते हैं एब्जोर्टिव हेट्रोट्रोव लेकिन क्या था कि जमीन के चारों तरफ इतना तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं था इतनी चीज नहीं थी कि उनको इतना ज्यादा ये फूड एब्जोर्व करते रहते और उनको मिलता रहता अब इनको किसी दूसरी न्यूट्रिशन के मेथड की तरफ क्या होना था इनको शिफ्ट होना था देखें सबसे पहले तो कौन से सबसे पहले जो न्यूट्रिशन uh, का जो मेथड था वो कौन सा था सबसे पहले थे एब्जोर्टिव लेकिन जमीन पर इतना तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं था कि इनको कंटिन्यू सप्लाई होता रहता और ये उसको एब्जॉर्व करते रहते फिर ये दूसरे मेथड की तरफ आ गए मतलब फिर हो गए ये कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ यानी जमीन पर पहला जो न्यूट्रिशन का मेथड आया वो क्या था वो था हेट्रोट्रॉफ uh, और हेट्रोट्रॉफ के बाद दूसरा जो आया पहला क्या आया था पहला था एब्जोर्टिव हेटीरोट्रॉफ उससे फिर बने उससे जो सेकंड नंबर पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आया वो था कीमोसेंथेटिक ऑटोट्रॉफ फिर क्या हो गए फिर हो गए कीमोसेंथेटिक ऑटोट्रॉफ अच्छा कीमोसेटिक ऑटोट्रॉफ के बाद नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन का मेथड जो है वो जमीन पर एडोप्ट किया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने वो क्या था वो था फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस शुरू हुई लेकिन पहली जो फोटोसिंथेसिस शुरू हुई उसमें वाटर यूज नहीं किया गया उसमें यूज किया गया हाइड्रोजन सल्फाइड

तो फिर ऑक्सीजन क्या हुई रिलीज हुई और यहां से जमीन को क्या मिलना शुरू हुई यहां से जमीन को ऑक्सीजन मिलना शुरू हुई और हमारी जमीन जो है जिस पे ऑक्सीजन नहीं थी जब ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरू हुई तो जमीन पर क्या आ गई जमीन पर ऑक्सीजन आई और इतनी ऑक्सीजन रिलीज हुई कि कुछ ऑक्सीजन जमीन पर रही और कुछ ऑक्सीजन ने आउटर एटमोसफेयर पर एक लेयर बना ली जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर क्या बन गई है ओजोन लेयर और जब ओजोन लेयर बन गई तो फिर क्या हुआ फिर जो है वो जमीन पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती थी फिल्टर होकर आती थी और यूवी रेस क्या हो रही थी वो फिल्टर हो रही थी अब जमीन पर जिंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से जो है सर्वाइव कर सकती थी क्योंकि डायरेक्ट यूवी रेस नहीं आ रही थी तो चलें देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है

केमिकल की ऑक्सीडेशन से क्या ले रहे थे वो केमिकल की ऑक्सीडेशन से जो है वो अपनी एनर्जी ले रहे थे लेकिन इतने केमिकल और इतना ऑर्गेनिक मैटर जमीन पर उस जमाने में नहीं था इसी वजह से जमीन पर लाइफ भी क्या थी लाइफ भी लिमिटेड थी अब लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए तो फूड की सप्लाई का जो दूसरा बेहतर तरीका था वो कौन सा था वो था फोटोसिंथेसिस क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो है वो केमिकल की ऑक्सीडेशन से एनर्जी नहीं लेते सनलाइट से एनर्जी ली जाती अंदर बाहर से नहीं लिया जाता इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है तो कहता है अर्ली इन्वायरमेंट लिटिल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिय न्यूट्रिय सप्लाई कम थी तो लाइफ भी क्या थी लिमिटेड थी

शुगर जैसी जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोजन किससे लेते थे हाइड्रोजन सल्फाइड से और एज अ रिजल्ट शुगर के साथ क्या रिलीज करते थे सल्फर जो है वो रिलीज कर रहे थे फिर क्या हुआ पहले तो जो ऑर्गेनिज्म थे जिस तरह आपने देखा होगा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया हम पढ़ चुके हैं वो किसको यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को फिर क्या हुआ लेटर वाटर वाज यूज फॉर दिस पर्पस पहले जो है वो जब तक बैक्टीरिया थे वो क्या कर रहे थे हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे थे किसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर बनाने के लिए लेकिन बाद में साइनोबैक्टीरिया जब आ गए तो साइनोबैक्टीरिया ने इस पर्पस के लिए किसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वाटर को और उसके बाद भी जो प्लांट्स आए जो एल जी आई उन्होंने भी किसको यूज किया वाटर को यूज किया इस पर्पस के लिए जब इस पर्पस में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जब वाटर को यूज किया तो उस दौरान वाटर से जो है ब्रेक डाउन से फिर क्या रिलीज हुई ऑक्सीजन क्या रिलीज हुई फिर ऑक्सीजन और उसके बाद लोअर एज एज वेल अपर एटमोसफेयर में जो है वो क्या जमा होना शुरू हो गई ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई स्पेशली जो अपर एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन जमा हुई वो ऑक्सीजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो वो ऑक्सीजन जो है वो उसने क्या बना लिया उस ऑक्सीजन ने उस ऑक्सीजन ने बना ली है ओजोन लेयर और जो लोअर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ने आता आहिता यूज करना शुरू किया किसके लिए अपनी रेस्पायरेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया कंसिक्वेंटली द रिड्यूसिंग एटमोसफेयर बिकेम ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट यानी हमारी जो एटमॉस्फेयर जब फोटोसेंट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होने से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होने से पहले हमारी एटमॉस्फेयर कैसी थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं थी और फोटोसिंथेटिक को जो है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होने के बाद हमारी जो है वो एनवायरमेंट या एटमोसफेयर कैसा हो गया ऑक्सीडाइजिंग हो गया यानी उसको ऑक्सीजन मिल गई अच्छा इंपॉर्टेंट ऑफ ओजोन इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन ज्यादा हुई तो उससे क्या जो है वो डेवलप हो गई ओजोन जो है वो डेवलप हो गई अब ओजोन ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन में जो है वो क्या रोल प्ले किया तो देखो अगर आप ओजोन का रोल देखो तो ओजोन बिगिन टू फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन देखो ओजोन लेयर का सबसे पहले जो है वो काम क्या है कि वो यूवी रेडिएशन को जो है वो क्या कर देती है फिल्टर कर देती यानी सन से जो ये अगर ब्लू कलर का जो मैं शो कर रहा हूं फिल्टर कर कर कहा डालती है जमीन पर यानी उनको फिल्टर कर देती है ये ओजोन लेयर तो ओजोन बिगिन टू तो फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन वेयर द ऑक्सीजन इन द लोअर एटमोसफेयर बिगन टू तो यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जब यूवी रेडिएशन कम जमीन पर आ,

एयर अगो यानी कहता है एयर अगो पहले जो है वो क्या बनी है जमीन जो है वो इनफ ए, प्रोटेक्टिव जो है वो ओजोन लेयर बन गई यानी वैसे बनना तो पहले ही शुरू हो गई लेकिन वो प्रोटेक्टिव वो थिक जो लेयर ओजोन लेयर जो डेवलप हुई है वो कब हुई है अबाउट जमीन पर जिंदगी तो ओजोन लेर के बनने से पहले ओरिजिनेट हो चुकी थी मगर वो जिंदगी किसको आप कहते हैं कि इतना फल फूल नहीं रही थी जमीन पर इतना उसमें एक्सपेंड नहीं हो रही थी जमीन पर वो जमीन पर एक्सपेंड कब होना शुरू हुई जब क्या बन गई जब ओजोन लेयर जो है वो बन गई। उसकी वजह से यूवी रेडिएशन जमीन पर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे एवोल्यूशन उनकी मजीद और उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हुआ द चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफियर मीन दैट लाइफ कुड नो लॉन्गर अराइज ए बायोटिकली अब इस बात को याद रखना है कि हमने पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ही से ओरिजिनेट होते हैं इसको हम कहते हैं आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लासेस में ए बायोजिनेसिस इसको हम क्या कहते हैं ए लिविंग बनना जो नॉन लिविंग लिविंग से living बनना जो है ये क्या है इसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं सॉरी लिविंग से लिविंग का बनना जो है ये बायोजेनेसिस है और नॉन लिविंग से लिविंग का बनना जो है इसको हम क्या कहते थे ए बायोजिनेसिस तो जिस वक्त आ, और इन, हमारी एनवायरनमेंट जो है वो रिड्यूसिंग थी जब हमारी एटमॉस्फेयर क्या थी रिड्यूसिंग थी तो उस वक्त इस ये पॉसिबल था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग हो गई है इन्वायरमेंट अब ये पॉसिबल नहीं है कि किसी नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बन जाएगी हमेशा लिविंग थिंग ही से लिविंग थिंग क्या होगी ओरिजिनेट होगी यानी एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग ही से अब एक जो एक लिविंग थिंग ओरिजिनेट हो गया मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया बन आर्किया बन, बन आगे चली है ये में नहीं चली है ये किस में चली है ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फेयर में चली है और यहां पर लिविंग से ही लिविंग थिंग जो है वो क्या हुई है एवोल्ड जो है वो हुई है इस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट के अंदर अच्छा एक और चीज हमने जो अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा अब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रो से से जो वो किस तरीके से बने हमें पता है पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर आया वो प्रोकेरोड था उसके बाद प्रोकेरोड से कौन ओरिजिनेट ऑरिजिनेट हुआ किस तरीके से ओरिजिनेट हुए उन हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करेंगे चले आज का जो लेक्चर था इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपने एम के हवाले से याद रखने हैं वो चले देख लेते हैं एक तो पहले यही बात याद रख लोगे के पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर ग्रुप की बात करें पहला ग्रुप कौन सा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का जमीन पर आया और उस में से बात की जाए कि वो वो कौन सा था जो सबसे पहले जमीन पर आया वो आर्की थे सही इसके बाद अगर पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को कौन सा हाइपोथीसिस एक्सप्लेन करता है तो नाम याद रखना ये कौन सा हाइपोथिस है वेंट हाइपोथीसिस एक्सप्लेन करता है फिर ये पूछा जा सकता है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है सबसे पहले लाइफ जमीन पर किस जगह पर ओरिजिनेट हुई हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर और उन हॉट वाटर स्प्रिंग को भी याद रखिएगा हाइड्रोथर्मल हैं फिर याद रखिएगा कि अर्ली जो एटमॉस्फेयर थी जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो उस वक्त एटमॉस्फेयर रिड्यूस थी हॉट थी या ओजोन लेस थी तीनों ही थी

ओजोन uh, 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 की जो प्रोटेक्टिव लेयर कंप्लीटली जो बिल्ट हुई है वो कब हुई है मिलियन पहले और अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर में क्या लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है एबायोटिकली तो ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर में लाइफ जो है ए बायोटिकली ओरिजिनेट नहीं हो सकती है. हाँ जो रिड्यूसिंग uh, जो एटमोसफेयर थी उसमें ऐसा हो सकता था नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे वाले टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे